एक सवाल जो बहुत अक्सर लोग पूछा करते हैं वो ये कि एक तरफ चीन के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, वो बॉर्डर के कई जगहों को अपने चीनी नाम दे देते हैं, विपक्ष इस पर कई बार सवाल भी उठाता है, और इस सब के बीच में सवाल ये रमेश कुमार पांडे वाराणसी से पूछ रहे हैं कि साल 2023-24 में चीन एक बार फिर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, भविष्य में चीन के प्रति भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आप क्या रणनीति करेंगे? ये चीन के साथ हम एक कदम आगे चार कदम पीछे जो होते रहते हैं, इससे निजात कब मिलेगा? नहीं देखिए, दो इसमें दो विषय हैं, पर एक चीज जो पहले जो आपका प्रश्न था ना, मैं एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि हम लोगों का कमिटमेंट है पीओके, कमिटमेंट इरादा कब बनेगा वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपने पूछा अगले 5 साल में बन सकता, अगले 5 साल में बहुत सारी चीजें हो सकती। ठीक है, अब चीन का सवाल, चीन के सवाल का जवाब। तो ये चीन का जो है दो अलग अलग विषय हैं, कनेक्शन भी है। जो बॉर्डर का विषय जो है, आज जो है हम लोग, हमारी चुनौती ये है कि 62 के युद्ध में चीन जो है 38,000 किलोमीटर हमारी भारत की धरती पे उन्होंने कब्जा किया, और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे पोजीशन ले ली जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आजकल जो भी आप लोग पढ़ते होंगे ना, न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते होंगे कि चीन ने मॉडल विलेज बनाया, चीन ने नया पुल बनाया, चीन ने नया रोड बनाया, ये बात जरूर आप याद रखिए कि वो उस धरती पे बन रही है जहाँ चीन ने 62 में कब्जा किया था, क्योंकि पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ नई चीज है, ये कहीं ऐसी जगह बन रही है जो 2020 के बाद उन्होंने लिया, बन रही है 1959 लॉन्गजू में, 1960-61-62 पंगोंगसो में, 1963 जो शक्सगाम वैली जो हो रही है। तो एक तो बॉर्डर की स्थिति आप लोग समझ लीजिए। जो व्यापार की जो बात हो रही है, आजकल हम लोग जो हैं चीन से, हमारा व्यापार जो है बहुत एक तरफा है, क्योंकि हमारे जो व्यापारी चीन से लेते हैं उनके लोग हमसे नहीं लेते, और हम उनसे क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग, उसका सपोर्ट हम पहले वाले सरकार ने कभी नहीं की, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कमजोरी है, हमें दुनिया से कहीं ना कहीं लेना पड़ता है, चीन जो है सबसे सस्ते में दाम बेचता है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है हमें देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, और यही है मोदी सरकार की नीति कि हम अलग अलग, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया है, हमने बैंक की क्रेडिट दी है, हमने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को बहुत सहायता दी है। जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा जो चाइना से इंपोर्ट जो आते हैं उसको कम करना मुश्किल होगा। सो सॉल्यूशन फॉर चाइना इज इकोनॉमिक ग्रोथ एट होम, इज मैन्युफैक्चरिंग एट होम, और राहुल गांधी, रघुराम राजन जैसे लोग, उनका कहना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कभी काबिल नहीं हो सकते, हमारी ये क्षमता है ही नहीं, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, हमारा सोच है कि ये हमें गलत रास्ते पर ले जाए। ईरान में चाबहार पोर्ट का एक नया अग्रीमेंट हुआ है, चुनाव के दौरान हुआ है, इस पर यूएस का भी स्टेटमेंट आया है, हालांकि वो समझते हैं कि इसका मल्टी डायमेंशनल इशू है, लेकिन वो एक तरफ ये कहते हैं और दूसरी तरफ आगाह भी करते हैं कि देशों को सोचना चाहिए सैंक्शंस के तौर पर। आज इस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, जो चाबहार का जो वहाँ जो बंदरगाह जो है ये सालों से चल रहा है, माने वहाँ चाबहार बंदरगाह में एक पियर जो है हम लोग चलाते हैं। अभी तक हम लोग जो हैं टेम्प्रेरी उसकी हर साल एक्सटेंशन होती थी,
अभी जो सहमति जो बनी है वो जो है वो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। तो ग्राउंड में अगर देखें इतना कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, यही होगा कि लॉन्ग टर्म होगा तो हम थोड़ी चीज और कर पाएंगे। पर सैंक्शंस का डर नहीं, और सालों से ये बंदरगाह चल रहा है, आज तक उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा, नहीं लगा। तो आप रिकॉर्ड देखिए ना, रिकॉर्ड में है कि यूएस जो है इस पे, यूएस को समझ है कि चाबहार बंदरगाह की उपयोग में यूएस का भी कहीं हित है, पूरे क्षेत्र का इसमें कुछ हित है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ बैठ के हम इस बात पर जरूर हम उनको समझा पाएंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखें ये इस अग्रीमेंट के कारण ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं हो रही जो पहले नहीं हुई है। हाँ, माने इन प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट और करेंगे, हम पोर्ट को जरूर अलग अलग दिशा में इसके कारण और रोड वगैरह बनेंगे, पर उसके अलावा इन प्रिंसिपल कोई नई चीज नहीं। जयशंकर जी, क्योंकि पब्लिक मंच है, आपकी इजाजत से पब्लिक से दो सवाल ले लूं आपकी इजाजत से? अरे बाप रे बाप, इतने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, बट आई एम पार्शियल टू वुमेन। सो गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ मैं मानसा कृष्णा एंड आई एम फ्रॉम रामजस कॉलेज। यू हैव प्रेजेंटेड इंडिया एज इन अ वेरी स्ट्रांग मैनर। हाउ लाइक वी वॉन्ट ऑल दोज क्वालिटी टू बी रियली रिफ्लेक्टेड in ourselves also. So how would like to suggest the ways which you have inculcated okay. these kind of virtues and what you have done that completely has made you as a charismatic external minister of this nation? I think, you know, 2-3 answers. If you want to be confident, if you want to, first of all, find the inspiration, find the leadership. You know, I tell people, and I mean this very sincerely, I said, look, it would be, for anybody, a great thing to be a foreign minister of a country. You know, I mean, there's a lot to be proud of. But when you are Modi's foreign minister, that's a very special bump, bonus that you have. I feel today that the country is confident. We have a challenge on the border. We are responding to it differently on the China border. We have, you know, even with the United States or Western countries, you know, they come and say, you know, in a democratic world, we have an opinion. I have no problem. Please give me your opinion. But then be prepared to listen to my opinion about your opinion. Well said, well said. One last question right there. One last question. Good evening, sir. My name is Srishti and I am from VIPS, that is in Pitampura, Vivekananda Institute of Professional Studies. तो रिसेंटली अभी हमारे नेवी ऑफिसर्स जो हैं वो रिलीज हुए कतार में, उनको हैंग करने की पनिशमेंट मिली थी, तो दैट वाज अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर अ न्यू इंडिया। तो कैन यू प्लीज गाइड अस थ्रू कैसे ये हुआ विद इन अ न्यू इंडिया जो हमने लास्ट पास 10 इयर्स में देखा है? सी, देयर वाज दिस, बट देयर इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। आई मीन, इन दिस केस आई थिंक देयर वाज सम, I would say, misunderstanding and misapprehension, and we had to go through a certain phase.